अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जी, मैंने थोड़ी सी की है सेटिंग चेंज। जो एसी वाले रूम की जो फ्लोर सेटिंग थी वो मैं मेन इधर टीवी वाले रूम में ले आई हूँ, फ्लोर सेटिंग कर दी है। और उधर मैंने जो इधर छोटे वाले प्लंग पड़े होते थे, हम लोग तो प्लंग कहते हैं, छोटे बेड भी कहते हैं, वो उठा के मैंने एसी वाले रूम में सेट कर दिए हैं। तो ये देखिए जी, बाकी भी मैं दिखाती हूँ आपको। आज मैंने काफ़ी सारा काम स्टार्ट किया हुआ है, सारी बेडशीट उतारी हुई हैं, वो भी साथ साथ वॉश हो रही हैं। और जो जो सफाइयाँ थी काफ़ी घर की पड़ी हुई थी, अभी करने वाली थी क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट थे, तो फिर बस जो थोड़ा बहुत हो रहा था मैं कर रही थी। बाकी अभी बच्चे थोड़े से फारिग हुए हैं तो मैंने साथ लगा लिया जल्दी जल्दी से आज के, चलो मेरे साथ थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करवा दो। और कपड़े वगैरह तो मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ, बेड शीट्स वगैरह मैंने साथ ही लगाई हुई हैं, वो भी वॉश हो जाएंगी। तो बाकी मैं दिखाती हूँ साथ साथ, जो जो रूम सेट होता जाता है मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ऐसे है, ये देखिए इस रूम में ऐसे पर्दे लगे हुए हैं और ये फ्लोर सेटिंग इस रूम की कर दी है। बच्चे यहाँ से आराम से बैठ के टी वी वगैरह भी देख सकते हैं और आराम से बैठ के यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने कहा चलें इस रूम की फ्लोर सेटिंग हो जाए तो ज़्यादा सही रह जाएगा ना। और धूप भी आती है सर्दियों में तो यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पीने का अपना ही मज़ा होता है, तो इसलिए फ्लोर सेटिंग इस रूम की हम लोगों ने की है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो जी ये देखें, इस रूम की मैंने इस रुख पे सेटिंग कर दिया है। बेड इस रुख पे पड़ा हुआ था पहले और अब मैंने पर्दा पीछे करके और आगे मैंने बेड रख दिया है। और ये देखें जी, इस रूम की सेटिंग ये है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इंटरेस्टिंग इधर आ गया, और वो कपड़ों वाली टोकरियाँ भी मैंने उधर रख दी कॉर्नर में, और जी जो कि पहले इस रुख पे पड़ी होती थी, इधर पड़ी होती थी। और ये देखिए, और आज सेटिंग करते करते 5 बज गए हैं, अभी तक हमें ये काम नहीं ख़त्म हो रहा। अब जी चलें दूसरे रूम में चलते हैं, अब उसकी सेटिंग दिखाऊंगी। तो इस रूम की सेटिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी ये देखिए, मैंने किचन को भी हर चीज़ उठा के नीचे से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये देखिए यहाँ से मैंने जो एक टोकरी थी वो उठा लिया, स्पेस बन गई जगह की, काफ़ी तरह खुला हो गया है क्योंकि किचन बहुत छोटा सा है, तो एक थोड़ी सी भी चीज़ रख दी जाए तो वो बहुत ही तंग जगह हो जाती है और बहुत ही वो समझ नहीं आती कि कहाँ कोई कुछ चीज़ रखी जाए ना। तो इस वजह से टोकरियाँ वगैरह मैंने यहाँ से उठा दी हैं। और ये फीडर देख रहे होंगे मेरे घर में फीडर, और क्यों ये मेरा भतीजा आया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से, मेरा शहजादा, तो ये उसका फीडर है, ये दूध पिया उसने अभी। और जी ये है जी छोटा सा लॉन हमारा, और ये नाश्ते के लिए टेबल मैंने इधर सेट कर दिया है, चेयर्स साथ रख दिए हैं ताकि जब नाश्ता करने लगे तो चेयर्स उठा के ना इधर रख लिया करेंगे और नाश्ता कर लिया करेंगे यहीं पे बैठ के। और अब ना काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा ना खुला लग रहा है घर। यहाँ पे डिस्पेंसर था वो मैंने उठा दिया यहाँ पर क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं आ रही थी, तो फिर वो मैंने उठा दिया यहाँ से। और जी अब बहुत भूख लग रही थी तो मेरी बेटी इतना ने जल्दी से खिचड़ी बनाई है, मैंने कहा खिचड़ी ही बना लो इस टाइम, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ ना। तो फिर उसने कहा कि मामा मैं जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ, जल्दी से हम लोग वही खा लेंगे ना, और भूख भी बहुत सख्त लगी हुई थी। तो मैं आज रेसिपी नहीं दे रही, बस रेसिपी में यही है कि खिचड़ी बनी है और हम लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अभी भी मैं काम में मसरूफ़ हूँ और
कपड़े वॉश कर रही हूँ अभी भी, बस ये सारा थोड़ा सा टाइम रह गया मैं ये वॉश करके, और एक बेडरूम रह गया आपको दिखाने वाला, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको वो मैंने कैसे सेट किया सर। और चलें जी, बहुत भूख लग रही है, सब्र नहीं हो रहा और मुझे जल्दी जल्दी से खिचड़ी खानी है। आप भी आ जाएं मेरे साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आ जाएं खाएं। और जी ये देखें, ये वाला रूम ऐसे सेट हो गया है, और जी मेरी मम्मा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी मम्मा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। अल्लाह हाफिज़। तो जी ये थी मेरी छोटी बेटी अदीना, जो कि कह रही है मेरी मामा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल जी शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जी। तो कह रही हैं कि आपको ये भी बताना होगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लें। और अल्लाह हाफिज़।